स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, कंक्रीट का क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टीयर कास्टिंग करने में कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगता है ये मैं बताने जा रहा हूँ, इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप घर बनवा रहे हैं या साइट इंजीनियर साइट सुपरवाइजर हैं तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कैलकुलेशन करने का कि इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना कंक्रीट का ऑर्डर देंगे कि ये स्लैब या स्टीयर कास्टिंग होगा। तो स्टीयर के क्वांटिटी कैलकुलेट मैं बताने जा रहा हूँ एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग। सिविल साइट नॉलेज हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। इसका क्वांटिटी निकालना सीखेंगे एज पर ड्राइंग, जो बिलिंग करते समय यही क्वांटिटी पुटअप किया जाता है। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए, एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे स्टीयर का क्वांटिटी। ओके, ये प्लान देखते हैं, फिर सेक्शन देखेंगे। तो ये प्लान देखिए, यहाँ से अप हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है स्टीयर, और इसका जो चौड़ाई है 1 मीटर प्लस 1 मीटर, यानी दोनों फ्लाइट के बीच में गैपिंग नहीं प्रोवाइड किया गया, यानी 2 मीटर डिस्टेंस में आपको स्टीयर बनाना है। ओके, और देखिए लैंडिंग भी दिया है, 1 मीटर दिया हुआ है, और लैंडिंग स्टार्ट और जहाँ से स्टीयर खत्म हो रहा है यानी कि टॉप में पहुंच जा रहा है वो 2400 दिया है। तो यहाँ से आपको राइजर और टी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये डायमेंशन दे दिया है। तो अब देखिए स्लैब हाइट देखते हैं कि स्लैब हाइट कितना दिया हुआ है। तो स्लैब हाइट आपको 3 मीटर दिया हुआ है। ओके, किसी किसी ड्राइंग में आपका पूरा मेंशन कर देता है कि आर कितना है, टी कितना है, लेकिन इस ड्राइंग में मेंशन नहीं किया गया। ये देखिए आपका सेक्शन यहाँ से स्टीयर स्टार्ट हो रहा है और इसी का कंक्रीट मुझे क्वांटिटी निकालना है। और ये देखिए लैंडिंग जो दिया हुआ है यहाँ पे 1500 है, यानी कि 3 मीटर है, हाफ लैंडिंग प्रोवाइड किया गया है, तो 1500, और ये दूरी आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक दे दिया हुआ है पूरा। तो हम टी और आर कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इसका डायमेंशन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम निकालेंगे। सेक्शन देखते हैं, फ्लाइट 1 और फ्लाइट 2। ओके, ये लैंडिंग का जो थिकनेस दिया है 150 mm दिया है, ऑल डायमेंशन इन mm में है। ओके, ये वेस्ट स्लैब है तो वेस्ट स्लैब का थिकनेस भी 150 दिया हुआ, जो स्लोप में स्लैब डलता है उसके बाद स्टेप बनता है, तो इसका भी थिकनेस 150 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आर और टी नहीं शो किया गया है, कितना आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं और कंक्रीट की क्वांटिटी भी आपको कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा। एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये प्लान है और यहाँ पे सेक्शन देखिए, तो सेक्शन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि इसका जो कंक्रीट का जो वॉल्यूम निकालना है कैसे कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा प्लान समझ लीजिए जो कि ड्राइंग में दिया हुआ था। ये 1 मीटर लैंडिंग दिया हुआ है, स्केल में नहीं है, ध्यान दीजिएगा स्केल में ये ड्राइंग नहीं है, स्केच नहीं किया हुआ है। 1 मीटर इसका स्टीयर का चौड़ाई दिया हुआ है, 1 मीटर दोनों फ्लाइट का, फर्स्ट फ्लाइट और सेकेंड फ्लाइट। ओके, यहां से यहां तक दूरी दिया हुआ 2400 और ये दिया हुआ लैंडिंग का वेट दिया हुआ 1000 mm। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब सेक्शन देखते हैं, जैसा कि हमने सेक्शन आपको दिखाया, सेक्शन के अकॉर्डिंग कंक्रीट का जो वॉल्यूम निकालना है आपका वो हम निकालते हैं। देखिए 1000 mm बराबर होता है 1 मीटर, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो कैलकुलेट करेंगे ना तो mm में कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम थोड़ा डाटा बड़ा आएगा, इसलिए हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये लैंडिंग का हाइट दिया हुआ 1500। ओके, अब मुझे स्टेप कैलकुलेशन करना है, कितने नंबर ऑफ स्टेप होता है। ये जो वर्टिकल हाइट जो देख रहे हैं ये आर राइजर बोलते हैं, आर से मैं डिनोट किया हूं, और ये जो हॉरिजॉन्टल जिस पे पैर रखकर चढ़ते हैं ये ट्रेड होता है, टी से मैं डिनोट किया हूं। तो दोनों को मिलाकर एक स्टेप बनता है, तो इसमें कितना कंक्रीट लगेगा हम ये कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर एक का कैलकुलेट कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ जितने स्टेप बनेंगे पूरे का कैलकुलेशन आ जाएगा। और ये जो वेट स्लैब है इसका जो थिकनेस जो दिया हुआ है 150 mm दिया हुआ है। ओके, तो इसका लेंथ मुझे निकालना होगा, ये वाला लेंथ निकालना है। ओके, हाइट दिया हुआ है, ध्यान दीजिए ये 1500 दिया हुआ है, और यहां से यहां तक ध्यान दीजिए, मैं बताया हूं कि आपका यहां से यहां तक 2400 दिया हुआ है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि ये भी एक स्टेप बनता है जो कि लैंडिंग में चला जाता है, ये भी आपका स्टेप बनेगा। तो इसका हमें
टी मालूम करना है कि टी कितना है, ड्राइंग में नहीं दिया हुआ, तो चलिए कैलकुलेट करके मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए नंबर ऑफ ए आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्लैब का हाइट या लैंडिंग का हाइट डिवाइडेड बाई एच, जो एच ऑफ ए आर यानी हाइट ऑफ ए आर, एक राइजर का हाइट जो होगा, ये देखिए राइजर, इसी से हम डिवाइड करेंगे तो निकलेगा आपका। तो हम एजूम किए हुए हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, एजूम किए हुए हैं 150 mm आपका हाइट मान रहे हैं और 1500 लैंडिंग का हाइट दिया हो, तो कटिंग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 नंबर ऑफ आर निकलेगा। तो टी इक्वल टू क्या होगा आपका, आर माइनस वन होता है, ये 9 नंबर। देखिए आर निकल गया 10 और टी निकल गया 9 नंबर। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि ये टोटल आर जो है, ये देखिए आप जो रेड पेन से लिखा हुआ है, ये आपका आर डिनोट किए थे, यानी कि वहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 रेड कलर वाला, ध्यान दीजिएगा, तो ये आर है। और टी कितना होगा जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है, 1 2, ये 9 नंबर, यह 9 नंबर। ओके, अब देखिए ये 2400 डिस्टेंस दिया हुआ है, तो 2400 में अगर हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो एक टी यानी यहां से यहां का डायमेंशन आपको मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हम डिवाइड कर दिए तो यानी 266.67, हम इसको मानते हैं 267 mm, 3 mm का वेरिएशन आएगा, 3 mm का वेरिएशन मानेंगे आएगा, 267 अगर मानते हैं तो 3 mm ज्यादा हो जाता है, तो इसको मैनेज कर लेंगे। ओके, चलिए अब वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए पहले, सबसे पहला नंबर आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये स्लोप जो दिख रहे हैं ये इसका लेंथ कितना है। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, ये 1500 हम जानते हैं, ओके, और यहां से ये लैंडिंग के फेस से इधर जो डायमेंशन दिया हुआ है ये 2400 दिया हुआ था, एक स्टेप आपका अंदर जा रहा है, ध्यान दीजिए एक स्टेप ये वाला लैंडिंग, ये लैंडिंग में आ रहा था, इसका कितना होगा इस फेस से, ओके, तो ये आपका 267 mm, 267 mm ये है। तो टोटल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 2400 प्लस में 267 mm, ये प्लस करेंगे। यही समझने वाला बात होता है, कभी कभी लोग गलती क्या कर देते हैं कि ये डायरेक्ट 2400 ले लेते हैं, जी नहीं, आपको ये लैंडिंग में एक चला जाता है यहां, यहां पे ध्यान दीजिए, सेम ध्यान दीजिए ना, इसलिए टी इज इक्वल टू होता है आर माइनस वन होता है। तो ये लैंडिंग में चला गया, तो ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेट स्लैब यहां से आएगा न कि यहां से आएगा, अगर यहां से रहता है तो हम यही 2400 लेते हैं, ध्यान देते हैं यही ओला लेते हैं, लेकिन आपका यहां से आ रहा है, यही लोग कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको ये लेना है। तो ये दूरी, तो चलिए इसका लेंथ कैलकुलेट करते हैं। लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आसान तरीका है, ध्यान दीजिए आप, ये 1500 हो गया और ये दोनों प्लस कर लीजिए तो 2667 यानी 2667 mm ये हो गया, ओके, और ये इसको एच मानते हैं, तो ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल रूल जो होता है, ओके, वो ये लगा दीजिए राइट ट्रायंगल रूल, तो ये होता है एच स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस में परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर का समेशन होगा ये बराबर होता है। तो अब यही हम फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे रखेंगे, ओके, तो एच स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ये डाटा थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम मीटर में इसको रख देते हैं, तो 2.667 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर करेंगे। कैलकुलेट आप भी साथ में कीजिए, हो सकता है मिस्टेक हो सकता है, तो ये आपका अंडर रूट आ गया 9.36, ओके। तो अब इसका अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पे एच इक्वल टू आएगा 3.059 मीटर में आया, ध्यान दीजिए ये मीटर में आया, ओके, तो इसको मीटर एमएम में चेंज कर लेंगे, आप एमएम में चेंज कर लीजिए तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3059 mm आएगा, ओके। अब इसी का वॉल्यूम निकालना है, थोड़ा ध्यान दीजिए, अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे यहां से, इसका हम लेंथ जान गए, ओके, और इसका चौड़ाई भी जानते हैं, यहां पे दिया हुआ 1 मीटर यानी कि 1000 mm दिया हो तो 1 मीटर दिया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए सबका मेथड सेम होता है। तो ये देखिए मान लीजिए स्टीयर का आपका चौड़ाई हो गया, ओके, और इसमें कंक्रीट फिल करना है इसी में, तो ये थिकनेस दिया हुआ ड्राइंग में दिखाएं 150 mm, 150 mm, ओके, ये दिया हुआ है और ये 1000 mm ये दिया हुआ है, ओके। तो देखिए अब इसका लेंथ यहां से यहां तक की अभी कैलकुलेट किए 3
0.059 सब मीटर में चेंज कर देते हैं क्योंकि डाटा बहुत बड़ा आ जाएगा, इसलिए मीटर में चेंज कर दीजिए। तो क्या होगा, मीटर में चेंज किए तो ये 1000 से डिवाइड किए तो 1 हो जाएगा, ये 3.059 हो जाएगा और 0.159 होगा। ओके, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही है वेट स्लैब। ओके, तो देखिए तो V इक्वल टू हो जाएगा 1 × 0.150 × 3.059, ये निकल गया। टोटल कैलकुलेट कीजिए आप सब में, 0.458 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगेगा किसमें, वेट स्लैब में, इसमें लगेगा। ओके, ध्यान दीजिए अब क्या कैलकुलेट करना है कि ये जो एक स्टेप में कितना कंक्रीट लगेगा, ये जो स्टेप बन रहा है इसमें कितना कंक्रीट लगेगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर एक स्टेप का अगर हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टेप मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा कितने स्टेप होगा। काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये लैंडिंग में चला जा रहा है तो ये भी आपको 10 नंबर होगा। ध्यान दीजिए स्टेप 10 बनेगा और ये इसका अलग से हम निकाल लेंगे ये पोर्शन। ओके, इसका भी आपका डायमेंशन आपको यहां से मिल जाएगा, ध्यान दीजिए। तो अभी हम फिलहाल इतना ही बताएंगे और इसका आप कैलकुलेट करके बताइएगा कि अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपका, एक मीटर में 267 माइनस करना है और इसका थिकनेस, और थिकनेस जो दिया है 150 दिया हुआ है और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ओके, ये आपके लिए है। तो देखिए एक का निकालते हैं, थोड़ा यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक का निकालेंगे तो एक क्राइजर कितना है 150 का है और ये ट्रेड कितना है 267 का है और इसमें कंक्रीट कितना लगेगा यही निकालना है। इसका विड्थ दिया हुआ 1000 mm दिया हुआ यही ना, इसका वॉल्यूम निकालना है। चलिए तो इसका एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बी इंटू एच हो गया, ये एरिया हो गया और वॉल्यूम निकाल लेंगे। ओके, तो इसमें विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसके वॉल्यूम हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू एच इंटू विड्थ। तो हाफ देखिए, ओके, तो बी कितना दिया हुआ आपका 267, एच दिया हुआ 150 और विड्थ दिया हुआ 1000 मीटर, यही स्टेयर का चौड़ाई है। ओके, तो इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, एमएम में लाएंगे तो थोड़ा बड़ा डाटा आ जाएगा तो इसलिए 1000 से सब में डिवाइड कर दीजिए। तो ये कैलकुलेट की तो 0.02 एक स्टेप का आया, ध्यान दीजिए एक स्टेप, टोटल कितना बन रहा है स्टेप 10 स्टेप बना, टोटल स्टेप 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.2। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टेयर कितना आएगा स्टेप का प्लस में वेट स्लैब का, जो आएगा यही आपका टोटल वॉल्यूम आएगा। ध्यान दीजिए ये टोटल वॉल्यूम स्टेप का प्लस वेट स्लैब के, तो यही कंक्रीट लगेगा ना, ये तो आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ड्रॉइंग को देखिए। ओके, वीडियो स्किप कीजिए और ड्राइंग को देखिए फिर निकालिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट इसका पार्ट वन है, पार्ट टू लाऊंगा तो बताऊंगा ही। ओके, अब देखिए मैं आपको ये भी बताया था कि दोनों को प्लस कर लिए तो टोटल आ गया 0.658 क्यूबिक मीटर लगा। ओके, कंक्रीट टोटल कितना लगेगा आपका 0.658 क्यूबिक मीटर है। ओके, ये आपका टोटल वॉल्यूम स्टेयर का आ गया। अब मैं आपसे बताया था कि टोटल स्टेयर कास्टिंग करने में सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा और एग्रीगेट, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए मैं यहां कैलकुलेट कर दिया हूं, अगर इस क्वांटिटी के अनुसार अगर देखते हैं तो इसमें 5.3 बैग सीमेंट लगता है। ये देखिए सीमेंट और सैंड एग्रीगेट जो होता है ग्रेड ऑफ ए कंक्रीट पे डिपेंड करता है, किस ग्रेड का कंक्रीट आप कास्टिंग करते हैं। तो मैं एज्यूम किया M20 ग्रेड। ओके, अगर आप घर नॉर्मली घर बनाते हैं तो M20 ग्रेड से कम रेशियो यूज मत कीजिएगा। ओके, IS कोड बोलता है, IS कोड 256/2000 अगर देखिएगा तो अब आपको मिनिमम ग्रेड यूज करना है M20 फॉर स्लैब के लिए, बीम के लिए, कॉलम के लिए, स्टेयर के लिए, घर बनाते M20। इसका रेशियो होता है 1:1.5:3, इसके बेस पे मैं कैलकुलेट किया हूं तो सीमेंट लगेगा 5.3 बैग, सैंड लगेगा 0.27 क्यूबिक मीटर, अगर इसी को CFT में चेंज कर लीजिए तो 95 CFT लगेगा, अगर आईसी के जस्ट डबल एग्रीगेट लगेगा 0.54 क्यूबिक मीटर और CFT में करेंगे तो 19 CFT लगेगा। ये कैसे कैलकुलेट किया गया है किस बेस पे अगर जानना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं, वहां से आप जाकर देख लेंगे। तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि कैसे स्टेयर का कंक्रीट क्वांटिटी निकालते हैं तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सिविल साइट नॉलेज से जुड़े हैं तो प्लीज
अगर सब्सक्राइब पहले से कर दिए हैं ना तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आप सबके लिए वीडियो बनाता हूं, जितना हो सके लोगों के पास शेयर कीजिए, शेयर किए फ्रेंड सर्कल के पास शेयर कीजिए कि उन लोग भी कम से कम सीखे और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।